हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मतलब कॉइन्स के हमें नंबर निकालने, मतलब कितने कॉइन्स हमें लगेंगे वो हमें निकालना है। जब एक कॉइन का जो वैल्यू है, डायमीटर्स है, सॉरी जो डायमेंशंस है वो हमें दिए हैं 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये इसके डायमेंशंस दिए हैं, डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस मतलब कि हाइट है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये कॉइन जो है इतना छोटा सा होता है पर सिलेंडर ही होता है, उसकी हाइट छोटी होती है पर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म ही होता है। अब इन ऐसे कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे, टू बी मेल्टेड टू फॉर्म, उसको मेल्ट करके एक दूसरा हमें सिलेंडर बनाना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो एक नया सिलेंडर बनाना है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर रहेगा, डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो ऐसे कितने कॉइन्स हमें मेल्ट करने पड़ेंगे कि हमें जो सिलेंडर, नया सिलेंडर मिलेगा वो इतना डायमेंशन का मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ईच कॉइन इस सिलेंडर इन शेप, कॉइन जो है वो छोटे होते हैं पर वो सिलेंड्रिकल शेप ही होते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है 1.5 सेंटीमीटर्स, लेकिन फार्मूला में हमेशा रेडियस होता है, तो इसलिए इसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए डायमीटर की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है, और रेडियस क्या होता है, हाफ डिस्टेंस होता है। तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं एंड उसका रेडियस निकला 0.75 सेंटीमीटर। थिकनेस हमें दी है, मतलब कि जो हाइट है वो 0.2 सेंटीमीटर, तो वो एच हो जाता है। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन निकालेंगे। तो एक कॉइन की वॉल्यूम क्या आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे निकाला हमने 0.75 इंटू हाइट क्या था यहाँ पे 0.2। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन जो है यहाँ पे हमने 0.75 को डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये 1 पॉइंट कैसे करेंगे उसको, 1 पॉइंट खिसका इधर तो 10, फिर और 7.7 और 5 के बीच से 0 पॉइंट हटा के हम 5 से राइट साइड लेके जाएंगे तो और एक 0 लग जाएगा। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट किया और 0.2 को ये डेसिमल जब राइट हैंड साइड 1 डिजिट मूव करेगा तो डिवाइड बाय 1 0, 10 मतलब 1 के आगे 1 0 लग जाएगा। तो डेसिमल जितने राइट साइड मूव करेगा, जितने डिजिट्स राइट साइड मूव करेगा उतने डिनोमिनेटर में हम 0 लगाते जाएंगे। इस तरीके से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब न्यू जो सिलेंडर, जो नया सिलेंडर हमें बनाना है उसका डायमीटर क्या दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, उसको भी डिवाइड बाय 2 करो तो रेडियस मिल जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में ही। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल रखा है क्योंकि ये नया जो सिलेंडर हम बनाएंगे उसका रेडियस है तो अलग है, इसलिए आर को कैपिटल किया है, एच को भी कैपिटल लिखा है। सेम पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू डालेंगे, सेम इसको भी हम फ्रैक्शन में से, सॉरी डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 225/100, 225/100, 5 है होल नंबर तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे कि इसका हम कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, मतलब वॉल्यूम मतलब जितना मेल्टेड पूरा लिक्विड हम कलेक्ट करेंगे, मेटल को मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा। तो नया सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उससे हमको वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो न्यू सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ये हमने लिख दिया, ये डिवाइड की लाइन है आप देख सकते हो। अब इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई लिख दिया। तो जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो डिनोमिनेटर के जितने भी नंबर्स हैं उनको मुझे इन्वर्स करके लिखना होता है, मतलब रिवर्स करके लिखना होता है। तो पाई बाय 1 है तो 1 बाय पाई,
75 बाय 100 है तो 100 अपॉन 75, यहाँ पे भी 75 बाय 100 है तो 100 अपॉन 75, यहाँ पे 2 बाय 10 है तो 10 बाय 2। अब इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल वे सिंप्लीफाई करने का, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फाइव ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डिजिट बचा हमारे पास, ये 225 225 5, यहाँ का 5 और ये 1/75 दो बार, तो इतना हमारे पास डिजिट बचता है। वापस इसको सिंप्लीफाई किया तो 45 × 45/9 रहेगा हमारे पास इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 225 आंसर आता है। हैंस द नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड आर 225। अब नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसकी यूनिट नहीं होगी, आपको समझना है इस बात को। तो इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। समझ में आया है तो याद शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।